पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को आज फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हम आपका माफीनामा स्वीकार नहीं करेंगे। अदालत ने चेतावनी दी कि वो अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहे। शीर्ष अदालत ने कहा कि समाज में सही संदेश जाना जरूरी है। इससे पहले बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने बिना शर्त माफी मांगी थी। दोनों ने एक हलफनामा दायर कर ये कहा था कि वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे और गरिमा बरकरार रखेंगे। वहीं पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने माफी को एक दिखावा बताया था। मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापन के लिए माफी मांगी थी। हलफनामा दायर कर बिना शर्त के माफी मांगी थी। आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दोनों को अदालत ने कारण बताओ नोटिस थमाया था। कोर्ट ने पूछा था कि बयानों का पालन करने के एवज में क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। दोनों ने माफी मांगते हुए कहा था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा और हम गरिमा का पूरा ख्याल रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज हिना कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला बेंच ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की आलोचना की थी। अप्रैल की शुरुआत में हुई सुनवाई में कहा गया कि आपकी माफी महज एक दिखावा है, ये बचाव योग्य नहीं है, हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है और ये घोर लापरवाही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी लपेट में लिया था। कोर्ट ने पूछा था कि जब पतंजलि ने कोविड के दौरान आधुनिक चिकित्सा को खारिज कर दिया था, तब केंद्र सरकार ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की थी।